हाई गाइज एंड वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़। अच्छा, अब इफ़ यू आर एन आर्ट स्टूडेंट, मतलब ऑब्वियसली यू आर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट, यू मस्ट बी नोइंग द स्ट्रगल दैट वी ऑल हैव टू गो थ्रू। टू योर रेस्क्यू आई एम हियर विद अ यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल माई ह्यूमैनिटीज़ वाले। Now let's proceed further and let's see how you can achieve the same. Number one, the most basic and the most cliche thing that you've ever heard is abhi se shuru karo, now or never. Be consistent, guys. Okay, so abhi it's mid of the September, right? You have approximately 5 to 6 months for your boards, but September is a high time, guys, because you will be having your pre-boards from, I guess, October, November, if I'm not wrong. So start it today. Bahut procrastinate kar liya, bahut taal diya, karenge, thoda bahut kiya bhi hoga, but dhang se baith ke karna shuru kar do. Okay, ye bahut basic tha. Chalo, next point. The second point is this is the most important point, guys. This is the point which has made me score such good grades. This was my holy grail. So the point is, your CBSE book should be your Bible, guys. Do not refer to any dukki, do not refer to any you like, together with, or any such helping book, guiding book. No, they will not guide you, they will not help you in doing anything. They will just make you dependent, they will just make you apahij, they won't help you and fetch you a single number. Just focus on your CBSE books. If you're not doing this, start doing this from today itself. And this is the And wait, I'll show you how your CBSE books should look like by the end of February. And by this, I don't mean ki bas underline karte jao. You need to study. You need to study each and every single page. And here comes a third point, that start reading. Start reading each and every single page of your CBSE book. Even if it is economics. या उसमें इतनी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बिकॉज यू नीड टू बी प्रैक्टिकल. उसके लिए नोट्स, ट्यूशन के नोट्स, इट कैन हेल्प. बट फॉर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, यू नीड टू रीड द बुक. दैट इज़ योर होली ग्रेल. कहीं से आंसर के नोट्स मिल जाएं, इट वोंट हेल्प. यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स. ठीक है गाइज, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स. बिकॉज अगर तुम किसी और के नोट्स ले लोगे ना, दे वॉन्ट हेल्प यू, बिकॉज दे विल बी लाइक द नॉर्मल बुक्स. बुक में भी तो लिखा ही हुआ है ना किसी और ने, और वैसे ही उन नोट्स में किसी और ने लिखा हुआ है. अनटिल एंड अनलेस यू डोंट राइट थिंग्स ऑन योर ओन, इट वॉन्ट हेल्प यू गेट ग्रेड्स, इट वॉन्ट हेल्प यू इन एनी सच वे. तो स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स. ठीक है, ये आलस बंद कर दो गाइज. नाउ देखो भाई, दो टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं. एक सब्जेक्ट होता है कि जिसकी टीचर होती है अच्छी, जिससे हम पढ़ते हैं भाई, उस सब्जेक्ट के बारे में पता होता है हमें, चलो कि मैम ने पढ़ाया है, मैम स्ट्रिक्ट होती है, हम पढ़ लेते हैं तमीज़ से. और फिर होता है दूसरे टाइप का सब्जेक्ट, जिसका हमें कुछ नहीं पता होता, वी डोंट हैव एनी आइडिया क्या चल रहा है क्लास में. वो टीचर भी सोता है, बच्चे भी सोते हैं, है ना. तो ऐसे सब्जेक्ट्स को पकड़ो. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइज, ऐसे सब्जेक्ट्स को पकड़ो, शुरू करो, बिकॉज दीज आर द वंस दैट विल लेट यू डाउन इन द एंड. अगर इनमें ख़राब स्कोर आ गया ना, यू आर
परसेंटेज विल फॉल. ठीक है, सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन दीज सब्जेक्ट्स. फॉर मी इट वॉज पॉल साइंस. मैं हिस्ट्री पढ़ती थी, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती थी, बट पॉल साइंस आई डिडंट इवन टच इट फॉर लाइक व्हेन अंटिल इट वॉज नवंबर और दिसंबर. स्टार्ट डूइंग दैट, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वीकर सब्जेक्ट्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली इज, जैसे वीकर सब्जेक्ट पे फोकस किया वैसे ही अपने स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट के वीकेस्ट चैप्टर पे फोकस करो, ओनली इफ इट इज दैट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, यू नीड टू लर्न द आर्ट टू गिव इम्पॉर्टेंस टू इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ओनली. योर नेक्स्ट पॉइंट इज हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच. यू नीड टू नो वॉट टू स्टडी एंड वॉट नॉट टू स्टडी. स्मार्ट वर्क इज द की टू गुड ग्रेड्स. हार्ड वर्क इज़ अ गुड थिंग, बट अगर तुम एक ही चैप्टर को पढ़ते रहोगे 50 बार, यू आर डूइंग हार्ड वर्क बट यू आर नॉट डूइंग स्मार्ट वर्क, राइट? सिमिलरली यू नीड टू फोकस ऑन द राइट चैप्टर, ऑन द राइट पैराग्राफ एंड ऑन द राइट सब्जेक्ट. यू नीड टू नो वेर आर यू लैगिंग बिहाइंड एंड वेर डू यू नीड मोर पॉलिशिंग. नाउ द नेक्स्ट एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टडी मटीरियल रेडी रखो गाइस. इट इज़ सेप्टेम्बर, चलो इवन इफ सम ऑफ यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी अंटिल इट्स अक्टूबर, अपना स्टडी मटीरियल रेडी रखो. यू शुड हैव योर पॉल साइंस के मैप्स वाले क्वेश्चंस के आंसर्स, यू शुड हैव द कार्टून्स वाले क्वेश्चंस के आंसर. जैसे कार्टून्स आते हैं, यू शुड हैव देम विद यू कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इन कार्टून्स से एंड क्या आंसर हम फ्रेम करेंगे. बिकॉज दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स ब्रिंग यू टू योर अल्टीमेट गोल. स्टार्ट कलेक्टिंग योर स्टडी मटीरियल. बाय स्टडी मटीरियल आई मीन तुम्हारे खुद के नोट्स, ये मैप्स और ये जो कार्टून वाले क्वेश्चंस हैं ये तुम गाइड से ले लो. दिस विल हेल्प यू. नाउ अनदर थिंग इज योर पास्ट ईयर पेपर्स. गाइस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लास्ट 10 नहीं तो 5 ईयर्स के पेपर्स निकालो. ठीक है, हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, इवन ऐसे बुक्स भी आती हैं जो पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें वो निकालो, उससे पढ़ो, मतलब क्वेश्चंस पढ़ो. वंस यू स्टडीड एवरीथिंग ना, डू दोज क्वेश्चन पेपर्स एज इफ यू आर जस्ट अटेम्प्टिंग योर ओरिजिनल एग्जाम. ठीक है, इट विल हेल्प गाइस. अच्छा, अगर तुम्हें ये भी नहीं करना तो द सेकेंड पॉइंट इज कि सपोज यू हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग आई मीन ढंग से नहीं पढ़ाया अभी, तुम वही क्वेश्चन पेपर करो एक दिन. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बुक से देख के लिखो. ठीक है, पूरे क्वेश्चन पेपर का आंसर लिख लो खुद देख के, एंड देन लर्न दोज क्वेश्चन आंसर्स. इसी से तुम्हारा आधा सिलेबस कवर हो जाएगा गाइस. ठीक है, एंड एट द एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट CBSE इज अ पीस ऑफ केक. इट इज़ नॉट अ बिग डील टू क्रैक CBSE with good grades, to score 95% above in CBSE, it is a easy thing. वो तुम्हें बांटते हैं नंबर अगर तुम तमीज़ से पेपर करके आओगे. So that is it for today's video. I hope you found it helpful. If you found it helpful, please like, share and subscribe to the channel. It just takes one single second, guys. And one more thing, I'll be really appreciating if you would suggest any of the topics that you are finding difficult to cope up with. I'll definitely make a video on them for sure. So do tell me that in the comments section below. Happy learning!